उदयपुर में हुई कन्हैया साहू की हत्या के बाद आगरा में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया था। वहीं हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कन्हैया लाल की हत्या करने वाले आरोपियों का सर कमल करने वालों को 2 लाख का इनाम देने की घोषणा की थी। मामले का संज्ञान लेकर प्रशासन में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। नुपुर शर्मा के बयान के बाद लगातार देश में जगह जगह धरना प्रदर्शन किए गए थे। उसी के चलते कुछ दिन पूर्व राजस्थान के उदयपुर में धार्मिक कट्टरपंथी से अभिभूत लोगों ने कन्हैयालाल साहू की निर्मम तरीके से हत्या की थी। आगरा में हिंदू महासभा के लोगों ने कन्हैयालाल साहू की हत्या का विरोध किया था। मामले में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट ने कन्हैयालाल साहू की हत्या करने वाले हत्यारों को सर कमल करने वालों को 2 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। बयान का संज्ञान लेकर धार्मिक भावना भड़काने के मामले में आगरा प्रशासन ने संजय जाट के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया है। क्या अखिल भारत हिंदू महासभा ने आज जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस सरकार के रहते हुए उदयपुर के अंदर कन्हैया साहू की निशंस इस्लामिक आतंकवाद से प्रेरित होकर हत्या कर दी गई और खुलेआम दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, इससे ऐसा लगता है देश के अंदर जितनी समस्या राज्यों में कांग्रेस सरकार है, ये लोग खुलेआम मदरसे चलाकर इस्लामी का अड्डे चलाकर और इनसे प्रेरित होकर जिस तरीके से ऐसी नशन से हत्याएं करते हैं, और इन्होंने जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और नुपुर शर्मा का सिर कलम करने की बात वीडियो में कही है, तो हम लोग कहना चाहते हैं इनका सिर कलम करने से पहले योगी जी, मोदी जी और नुपुर शर्मा के लाखों दीवाने हैं, उनकी गर्दन को सिर कलम करना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ तक उनकी तलवार पहुँचेगी। और जो इनका सिर कलम करने जो भी इनका सिर कलम करेगा उसको हिंदू महासभा 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार निश्चित तौर पर देगी। जिन्होंने जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री की सिर कलम करने की बात कही है, उनका सिर कलम करने वाले को हिंदू महासभा 2 लाख रुपए का नगद इनाम हिंदू महासभा के कोटे से जाएगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से शाहरुख चौधरी की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।